अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हरे मसाले की कलेजी। इसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी लिए। इसके अंदर गुर्दे भी हैं, यानी कि लिवर और किडनीज दोनों मिला के आधा किलो है। एक प्याज लिए मैंने, जिसका वेट 100 ग्राम्स है। चार मैंने हरी मिर्च ली हैं। ये 30 ग्राम पुदीना है और 30 ग्राम कोथमीर है, यानी एक हैंडफुल। हाथ भर कर आप लेंगे तो इतना लेना है, एक एक कप समझ लें आप। तो ये पुदीना और कोथमीर लेना है। 1 टीस्पून फुल मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून फुल लहसुन का पेस्ट है। 125 ग्राम्स दही है, ये बघार में हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून यानी आधे का भी हाफ राई ली है, यानी सरसों। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। अब सबसे पहले हमको ये करना है कि ये चारों चीज़ें, यानी कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज, इसको हमको पीस के पेस्ट बनाना है। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इन चारों चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लिया और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। एक आप बोल ले लें, उसमें ये दही, और ये जो मसाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, ये मसाले हम इसमें डालेंगे। और ये जो हमने मसाला पीसा, ये भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिलाने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें दही के साथ। और ये जो हमने कलेजी ली थी, ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और इसको हम ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी, और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये आधा घंटा हो गया कलेजी को मैरिनेट किए हुए, और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है, और ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये ज़ीरा और राई डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें ये जो हमने ज़ीरा और राई लिया था, ये हम इसमें डालना है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अब हम ज़रा 2-3 मिनट भूनेंगे, ये जब तक अच्छी तरह से ज़रा भुन जाए। ये देखिए, अच्छी तरह भुन गया अदरक लहसुन, और अब हम इसमें ये मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देंगे। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये पानी इसका पूरा सूख जाना चाहिए और ये अच्छे से भुन जाए। और इसको हम फुल फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, इसको हम सिम पे नहीं रखेंगे। बस इसको आप फुल फ्लेम पे पकाइए और यहीं खड़े खड़े इसको अच्छे से भून लें। ये देखिए, इसको 10 से 12 मिनट हो गया। इसको मैंने खूब अच्छी तरह भून लिया फुल फ्लेम के ऊपर। इसका सारा पानी सूख गया और ये भून गया, लेकिन ये बहुत सूख गया है और इतना मुझे सूखा हुआ नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डालूँगी। अगर आपको इतना ही सूखा चाहिए भुना हुआ, तो आप इसी तरह इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। मैं ज़रा सा इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसको 2 मिनट पकाने के बाद बस ये तैयार है बिल्कुल। ये देखिए, 2 मिनट हो गए। इसको मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, और 2 मिनट पकाया, और इसकी अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। और अब मैं इसमें 1/2 नींबू डाल रही हूँ, नींबू का जूस। आपको ज़्यादा डालना हो आप ज़्यादा डाल लें, बस मेरे ख्याल से 1/2 नींबू काफ़ी होता है। और बस इसको मिक्स करके और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए, हरे मसाले की कलेजी बिल्कुल तैयार है। और इंशाल्लाह मैं आपको ईद से पहले और वीडियोस भी डालूंगी। मैं इसके 2 रेसिपीज़ मैं आपको और दूंगी कलेजी की इंशाल्लाह। और इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।